यूपी की जेलों को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल जेल में सुधार के लिए एक बड़ा फैसला कि अब कारागार सुधार गृह के रूप में जाने जाएंगे। इसके साथ ही प्रदेश में ओपन जेल्स खुलेंगी। मुख्यमंत्री ने कारागार व्यवस्था की समीक्षा की और नए प्रिजन एक्ट को तैयार करने के लिए उन्होंने निर्देश दिए और हाल ही में योगी कैबिनेट ने नए जेल मैनुअल को मंजूरी दी है। एक और बड़ी खबर मिल रही है गाजियाबाद से। डासना जेल से रवाना हुआ शाहनवाज उर्फ बद्दो जांच प्रक्रिया पूरी करने के लिए बाहर लाया गया। मोबाइल फोन, पर्सनल कंप्यूटर फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है। बद्दो की मौजूदगी में जांच के लिए भेजा जाएगा मोबाइल और कंप्यूटर। फोरेंसिक जांच के लिए भेजने से पहले बद्दो के भी साइन उस पर होंगे। प्रक्रिया पूरी होते ही वापस जेल भेज दिया जाएगा बद्दो। बात कर लेते हैं कानपुर से मिल रही एक बड़ी खबर की, जहां अफसरों पर मेयर का पारा हाई हो गया। मेट्रो के प्रोजेक्ट अधिकारियों पर महापौर बरसती नजर आई। दरअसल हरे पेड़ों को काटने पर अफसरों की क्लास लगा दी। जूही पुल से नौबस्ता तक कटवाए गए थे पेड़ और बैठक में मेयर प्रमिला पांडे ने अधिकारियों की फटकार लगाई। पेड़ काटने को लेकर मेयर यहां गुस्से में नजर आई और अफसरों पर मेयर का गुस्सा निकला, पारा हाई दिखा, जहां मेट्रो के प्रोजेक्ट अधिकारियों पर महापौर ने गुस्सा निकाला और ये वजह थी हरे पेड़ों को काटने को लेकर। दरअसल मेट्रो के प्रोजेक्ट को लेकर जूही पुल से नौबस्ता तक पेड़ कटवाए गए थे और यही वजह थी कि प्रमिला पांडे इसको लेकर नाराज दिखी और पेड़ काट। हमें तुझसे कुछ चाहिए नहीं, हमें कायदे से बात चाहिए कि हमारे पेड़ कटे तो एक एक जो हमारे सरकार की मंशा है, हमारे प्रधानमंत्री के, हमारे मुख्यमंत्री की मंशा है कि आप अगर पेड़ काटे तो उसको जनहित में आज काटे तो तुरंत उनके दरवाजे से उस पेड़ को। तो देखिए चार के मोर्चे में पहले मोर्चे की खबरें आपने देखी और दूसरे मोर्चे की खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले 40 सेकंड के अंदर माफ कीजिएगा, आपको चार अहम खबरें दिखा देते हैं। गुजरात में बिपरजोय तूफान की वजह से हुए अलग अलग हादसों में 23 लोग घायल, 2 लोगों की मौत, 24 पशुओं की भी गई जान। अब राजस्थान की तरफ बढ़ रहा है तूफान। केदारनाथ यात्रा में नए पंजीकरण पर 20 जून तक बढ़ी रोक, ऑनलाइन और ऑफलाइन नहीं होंगे रजिस्ट्रेशन। बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए प्रशासन का फैसला, अब तक 9,30,000 श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। मेरठ के किठौर में मिला तेंदुए का शावक, वन विभाग की टीम ने निगरानी करके रेस्क्यू किया। हापुड़ मेरठ सीमा के गांव का मामला। कुशीनगर में कचरा प्रबंधन के लिए बन रहे एमआरएफ सेंटर के निर्माण में गड़बड़ी का मामला सामने आया। जानकारी मिलने पर डीएम ने ठेकेदार पर एफआईआर करने के निर्देश। रामपुर के विधायक आकाश सक्सेना ने आजम खान पर लगाया 145 करोड़ रुपए के घोटाले करने का आरोप। कहा कि आजम खान के मंत्री रहते हुए सीवर लाइन बिछाने में हुआ था घपला। लखीमपुर खीरी में जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया जनता के साथ संवाद। मंत्री के सामने ही एक महिला ने किया स्थानीय प्रधान पर अभद्र टिप्पणी, स्वतंत्र देव सिंह ने महिला को शांत कराया। प्रतापगढ़ में जयमाला के दौरान दूल्हे के दोस्तों संग फोटो न खिंचवाने से नाराज दूल्हे ने किया शादी से इनकार। दूल्हे के इनकार के बाद गांव वालों ने पूरी बारात को बनाया बंधक। पुलिस के बीच बचाव के बाद गांव वालों ने छोड़ा मानधाता थाना के हरकपुर गांव का मामला। लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क के जंगल वाले इलाकों में पेट्रोलिंग हुई तेज। पेट्रोलिंग कर रही टीम को पानी पीता दिखा बाघ, जगह जगह पर बनवाया जा रहा वाटर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।